फिजियोलॉजी के इस नए टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं पेन के बारे में। तो पेन कैसे कैसे होता है, व्हाट इज़ पेन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेन, व्हाट आर द रिसेप्टर्स ऑफ पेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन कहाँ कहाँ पे रेगुलेट होता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो पेन होता है, पेन एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल नॉर्म में भी पेन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल पेन हो सकता है, पैथोलॉजिकल पेन हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल पेन जो होता है वो नॉर्मली बॉडी के कभी भी डिस्टेंशंस की वजह से हो सकता है, लाइक मैकेनिकल पेन इज़ द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल पेन। वेल जो पैथोलॉजिकल जो पेन होता है वो मेनली केमिकल पेन होता है और थर्मल पेन होता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो पेन के थ्री टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल पेन, थर्मल पेन एंड केमिकल पेन। मैकेनिकल पेन, थर्मल पेन एंड केमिकल पेन। मैकेनिकल पेन इज़ द मेनली फिजियोलॉजिकल पेन एंड थर्मल पेन एंड केमिकल पेन इज़ द पैथोलॉजिकल पेन। और ये किस से होता है, कोई स्टिमुलस देने से। मे बी दिस स्टिमुलस इज़ बाई प्रेशर, हम बहुत ज़्यादा हार्डली किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं बॉडी के टिश्यू को, तो पेन होगा, तो जिसे कहते हैं मैकेनिकल पेन। बॉडी के टेम्परेचर में राइज होने की वजह से बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, थर्मल पेन। और बॉडी में केमिकल्स की रिलीज होने की वजह से, कोई जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से केमिकल्स रिलीज हुए लाइक प्रोस्टाग्लैंडिंस, तो उसकी वजह से पेन हुआ, तो वो केमिकल पेन हो गया। तो पेन में दूसरा जो कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा पेन फील किया जाता है वो होता है पेन रिसेप्टर्स, और जिसके द्वारा पेन कंडक्ट किया जाता है वो होते हैं पेन फाइबर्स, जो हम सब जानते हैं वो ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर होते हैं। सी फाइबर्स आर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूड पेन एंड ए डेल्टा फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट एंड द फाइन पेन। कमिंग ऑन द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो हैं पेन के वो किस किस टाइप के हैं, TRPA1 रिसेप्टर, TRPB1 रिसेप्टर, एनी एसिड प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर, साइटोकाइनिन मेडिएटेड पेन, ब्रेडिकाइनिन मेडिएटेड पेन एंड प्रोस्टेनॉइड पेन। ये जो हैं टाइप, ये रिसेप्टर्स होते हैं सबके, प्रोस्टेनॉइड के रिसेप्टर्स, ब्रेडिकाइनिन रिसेप्टर्स, साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स, प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर्स, एसिड रिसेप्टर्स, TRPB1 रिसेप्टर्स एंड TRPA1 रिसेप्टर्स। नाउ व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ TRPA1? TRP हैव द फुल नेम कॉमनली, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ ट्रांजियंट रिसेप्टर पोटेंशियल A1 और द एंकाइरिन 1 रिसेप्टर, ट्रांजियंट रिसेप्टर पोटेंशियल एंकाइरिन 1 रिसेप्टर पेन, दैट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस, दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर ओनली TRPA1, वेयर ए इज़ द एंकाइरिन। एंकाइरिन इज़ द केमिकल, not only chemical, it is the ankyrin is the protein, right? Coming on the TRPB1 is another full name is transient receptor potential, V for vanilloid. Vanilloid is the chemical, and both are these one, TRPA1 is the ankyrin protein, so it is the chemically mediated pain. While in the vanilloid pain, this type of pain that is sensitive by the TRPB1 receptor, that is due to the pain due to high temperature, and the chemical involved in this vanilloid pain is capsaicin, capsaicin, capsaicin pain by the capsaicin chemical, and this pain is due to the increase in the temperature due to high temperature, suppose it is more than 42 or 43 degrees Celsius. As we all know that during the fever we all have the body parts pain, in the pain, that is due to this TRPB1 receptor, because when body temperature increases more than the 42 or 43 degrees Celsius, then it led to activation of this TRPB1 receptor and capsaicin chemical release, and that caused the pain in the body parts. Coming on the acid are also involved in the pain, that are mainly the stronger acid that cause the breakdown of the body tissue if they are coming in the surface touch, or they may cause the pain in the stomach also if the concentration of the stomach acid is increased more than the normal. Coming on the purinergic receptor pain, that is mainly involved in the ATP. When there is the increase in the number of the ATP, or
इंक्रीज ऑफ द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द एटीपी दैट कॉज द पेन. व्हेन डीफॉस्फोराइलेशन ऑकर, व्हेन आवर बॉडी इज इन हायर एक्सरसाइज स्टेट, दैट मीन्स आवर बॉडी नीड्स मोर एटीपी. मोर एटीपी इज कन्वर्टेड इन टू द मोर एडीपी एंड मोर फॉस्फेट बोन्स गेट ब्रोकन. दिस एनर्जी इज यूज टू फॉर द एक्सरसाइज पर्पज, बट दिस ऑल्सो कॉज टू इंक्रीज इन द डीप प्रेशर. दिस प्रीनर्जिक रिसेप्टर इन मेडिएटेड पेन दैट इज इन्वॉल्व बाई द एटीपी. वेन एटीपी इज मोर डिसफॉस्फोराइलेट देन इट द पेन ऑकर, एंड दिस पेन ऑकर ड्यू टू द प्रीनर्जिक रिसेप्टर. कमिंग ऑन द केमिकल मेडिएटेड पेन, दिस ऑल टाइप ऑफ पेन आर मेनली बॉडी टेम्परेचर पेन लाइक द वेनिलॉयड पेन एंड द प्रीनर्जिक. दिस ऑल आर ड्यू टू द मैकेनिकल मेनली. एंड वाइल एसिड एंड द नाउ कमिंग ऑन द साइटोकाइनिन, ब्रेडीकाइनिन रिसेप्टर एंड प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर. दीज आर द रिसेप्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाट. दीज आर द रिसेप्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल पेन. एंड वेन दिस केमिकल पेन ऑकर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट ड्यू इन द केस ऑफ द इन्फ्लामेशन. इन द केस ऑफ इन्फ्लामेशन, वेदर इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मेनली इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन साइटोकाइनिन लाइक सी थ्री ए, सी फोर ए, सी नाइनटीन ए, दीज आल आर रिलीज एंड कॉज द पेन बाई द साइटोकाइनिन मेथड. ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन मीन्स ब्रेडिकाइनिन केमिकल्स दैट इज रिलीज एंड कॉज द पेन. मेनली इट इज इन्वॉल्व इन द लंग्स डायलेशन, लंग्स डिस्टेंशन एंड ऑल्सो इन द हार्ट. प्रोस्टेनॉइड पेन, प्रोस्टेनॉइड पेन इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड रिसेप्टर एंड ऑल्सो द मोस्ट कॉमन केमिकल मेड केमिकल रिसेप्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन. दिस प्रोस्टेनॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिंस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिंस आर फॉर्म फ्रॉम विच आर्किडोनिक एसिड बाई द कॉक्स पाथवे. फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे PGG2 is converted. First prostaglandin form is PGG2 and this PGG2 converted into the PGH2 and PGH2 has the different fates like if it is get into the PGD2, PGE2, PGE1 and PGE2X and in the another way this prostaglandin again form the PGI2 that is the PGI2 or PGE2 and PGE2 also known as the prostacycline, right? So these all are the prostaglandin that I named. These are the prostanoid. These are mainly work on the prostanoid receptor and cause the pain. Another pain receptor is tyrosine kinase receptor mediated pain. Now coming on the question is that where the pain is sensitive. The pain is normally sensitive when the pain receptors are activated and this cause the stimulus, giving the stimulus and the sensory fibers take the pain and go into the spinal cord. So pain is mainly feel at the level of thalamus. This is called as the subcortical pain. Pain can sense at the level of thalamus means if there is the unconscious person, mainly in the unconscious person, what happened? The cerebral cortex is not working. So, but here the pain can sense at the level of thalamus. But thalamus is working in the unconscious person, right? So pain can be feel in the unconscious person, and pain is the only stimulus which can react without consciousness. Another stimulus except pain, temperature and different for the temperature, for sensory information mediated. But if this is also mediated and this is also useful to diagnose any patient, that if some patient fall like as the Glasgow Coma Scale, we are checking
mainly for the pain. If I am giving the pain stimulus to the patient and if patient is not responding, then the patient is in the coma, right? But pain can be feel at the level of thalamus. That's why an unconscious person can feel the pain and can respond to that pain in the unconscious mind itself, right? By because autonomic nervous system mainly regulate at the below the level of the cortex, right? Cerebral cortex, the higher autonomic state of the central nervous system is the hypothalamus. So hypothalamus is not only deactivated in the case of unconsciousness person initially, but later on hypothalamus is in fact affected, right? After that, so it means the pain is the stimulus that can feel in the unconsciousness mind also. But what happened in the cerebral cortex? If pain receptors take the stimulus and sensory fibers give this stimulus, so pain is differentiated on the basis of duration of the pain. We can feel if we are in consciousness mind. If we are conscious, then we can differentiate the pain. We can feel the duration of the pain, how much duration it have, type of the pain, like it is the sharp pain, dull pain, like that, and location of the pain, where pain is located. But in unconsciousness mind, we only can feel pain. We are not able to differentiate the pain, whether it is dull pain or it is sharp pain. We are not able to differentiate the intensity. We are not able to differentiate the duration, means whether it is long acting pain or the short acting pain, or type of the pain, and also sometimes in the location of the pain. So this is the information about the pain. Coming on the memory is the another physiological norm that sometimes in your universities and colleges it is not explained as well, very well. So memory, what is the memory? Memory is the storing of information in our central nervous system, so that we can recognize anyone, so that we can perform the learned skills, motor functions, right? This is memory. So memory is mainly classified in the two types, implicit memory and explicit memory. What is implicit memory and what is explicit memory? Implicit memory is the memory that is very hard memory. Implicit memory is very hard memory. We can't forget that motor movements. Implicit memory is the skill memory or the motor skill memory. Suppose, for example, if you are running the cycle, and without conscious mind, even you don't think about the cycle, your legs are moving on the pedal and cycle is running on. So that it means that we are not always remain in the conscious mind, and the work is running on. That means it is due to the implicit memory. Implicit memory are the main function for the also the, for example, another example is tonicity of muscle. We are not regulating the tonicity of muscles, right, at every time. So when, for example, suppose if someone put the 5 kg weight in my hand and my capacity is maximum 10 kg and we are not in the conscious mind, and after the 10 kg our muscle's tonicity is ultimately changed due to the Golgi tendon organ. That is also the implicit memory example. Now the centers in the central nervous system that is regulating the implicit memory, that are cerebellum. We all know that the cerebellum are responsible for the mainly three functions: balance, muscle toning, and motor regulation. So cerebellum is also responsible for the implicit memory.
बाई विच पाथवे मेनली? बाई पोंटो सेरिबेलर पाथवे, बाई पोंटो सेरिबेलर पाथवे और कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे एंड अदर पाथवे, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। इट इज सेरिबेलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसाइज मूवमेंट एंड द फाइन मोटर टोनिंग ऑफ द मसल। सेरिबेलम हैव द फंक्शन ऑफ द फाइन मोटर टोनिंग ऑफ द फसल मसल एंड प्रिसाइज मूवमेंट। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सेरिबेलम फंक्शंस, आई एम ओनली जस्ट गिविंग द इंट्रो ऑफ द सेरिबेलम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लिक्ट मेमोरी। एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लिक्ट स्किलफुल मूवमेंट्स। बेसल गैंग्लिया हैव द मेनली द इम्प्लिक्ट मेमोरी इज स्टोर्ड इन द बेसल गैंग्लिया इन द कॉर्पस स्ट्रेटम, पुटामिन एंड ग्लोबस पैलिडस मेनली। एंड अनदर वन, दिस मेमोरी इज हाउ इम्प्लिक्ट मेमोरी वी अचीव। दिस मेमोरी इज अचीव बाई द लर्निंग, नॉट द डे टू डे लर्निंग। इट इज़ ड्यू टू द लर्निंग एंड वेरी हार्ड लर्निंग। एंड इफ वी आर फॉर एग्जाम्पल वी आर ड्राइविंग एनी मोटर बाइक, राइट? सो वी आर नॉट इन समटाइम्स इन द कंसियस माइंड एंड वी आर जस्ट चेंजिंग द गेयर बाई ओनली द अनकंसियसनेस माइंड, इवन नॉट थिंकिंग अबाउट वेन वी हैव टू चेंज द गेयर। इट्स द ऑटोमेटिक एक्टिविटी, लाइक देयर द स्पीड मोर देन 30, देन वी हैव टू चेंज द गेयर फ्रॉम फर्स्ट गेयर टू सेकेंड गेयर, राइट? आफ्टर दैट कमिंग ऑन द एक्सप्लिक्ट मेमोरी, एक्सप्लिक्ट मेमोरी इज द डिक्लेरेटिव मेमोरी। दैट मेमोरी, द मेमोरी दैट इज रिस्पॉन्सिबल वैन वी आर लर्निंग, वैन वी आर लर्निंग एनी थिंग, लाइक वी आर लर्निंग फॉर द एकेडमिक्स, वी आर लर्निंग फॉर द टॉपिक एंड डिक्लेरेट, दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव मेमोरी। एक्सप्लिक्ट मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिक्लेरेटिव मेमोरी। सो दिस डिक्लेरेटिव मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू द टू टाइप्स, एपिसोडिक मेमोरी एंड सीमेंटिक मेमोरी। वेल दिस मेमोरी इज नॉट सो मच हार्ड, एपिसोडिक मेमोरी एंड अ सीमेंटिक मेमोरी, दे आर द टू टाइप्स। एपिसोडिक मेमोरी दैट इज द मेमोरी दैट इज रनिंग ऑन द एपिसोड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर लर्निंग ए टॉपिक एंड सपोज इफ समवन गिव मी एंड वी फॉरगेट दैट टॉपिक, राइट? इफ समवन गिव मी ए क्लू अबाउट द टॉपिक एंड देन वी आर लर्निंग लर्निंग एंड द मेमोरी इज कमिंग इन द सिक्वेंस दैट आफ्टर दिस दिस इज आफ्टर दैट दिस इज हैपन आफ्टर दैट दिस इज हैपन, लाइक इन द स्टोरी। इफ समवन गिव यू ए क्ल्यू देन यू कैन टेल द होल स्टोरी। इन द सेम वे इट इज द एपिसोडिक मेमोरी वर्किंग। While in the semantic memory, this is a because the declarative memory, so we have to learn semantic memory is that memory by which we can recognize any person that yeah, I see you previously before the 6 month, I met you there and like who are you, all this recognizing phenomena is the semantic memory, or it is the part of the explicit memory. Mainly the main centers in the central nervous system that are regulating the explicit memory is the hippocampus. Please kept in mind that hippocampus is not responsible for the implicit memory, means the memory which is responsible to do our skill function, skill motor movements. That hippocampus is not responsible to store that memory that is responsible for the skill motor movements. While another hippocampus is joined by the mammillary bodies. Mammillary bodies is the part of the hypothalamus, and hippocampus and mammillary bodies both are joined by the which fornix. Hippocampus and mammillary bodies are joined by the fornix. Fornix of the projecting fibers. Mainly the projecting fibers, they of fornix also have the another two types of the fibers, associative fibers and the descending fibers to join the other parts of the brain also. And the another part is the intrarenal cortex. Intrarenal cortex is also responsible for the short-term memory. While amygdala is the another part that is also storing the information and storing the memory.
in the split memory, while amygdala have the function that it convert the short term memory into the long term memory. So this all is about the memory. Memory is two types: implicit memory, explicit memory. Implicit memory is the skill memory, and explicit memory is the declarative memory. And declarative memory have further two types: episodic and semantic. This is about the memory. And coming on the pain, for the quick review, pain is nothing. Pain is three types: mechanical pain, thermal pain, chemical pain. Mechanical pain is mainly of the physiological type, and pathological type is mainly the thermal and chemical pain. And the other receptors, are that are sensitive to the pain are TRPA1, TRPB1, acid, purinergic, cytokinin, bradykinin, prostanoid are mainly the chemical mediated pain receptors. Thank you.